क्या है वजह कि आपस में भिड़ गए हैं शालीन भनोट और टीना दत्ता, और इस बार दोबारा से, और कौन है इन दोनों के झगड़े में गवाहीदार या साक्षीदार जो बैठा है बीच में इन दोनों के झगड़े सुलझाने के लिए, लेकिन अंत में वो खुद ही कह देता है कि यार तुम दोनों एक दूसरे से मत बात करो, एक दूसरे से दूर ही रहो, मत देखो एक दूसरे को, ना खत्म करो, क्यों झगड़ा कर रहे हो और क्यों, किस वजह से ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आखिर क्या मुद्दा है, क्या माजरा है कि इन दोनों को आपस में ही लड़ना पड़ रहा है बार बार, आखिर टीना और शालीन को, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि टीना और शालीन को कोई फुटेज भी नहीं दे रहा है, ये दोनों आपस में ही लड़के अब इतने ज्यादा बोरिंग बनते जा रहे हैं कि कोई इनको देखना भी नहीं पसंद कर रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज, मेरा नाम है गणेश कांदू और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रियंका। इन दोनों के बीच में एक दिन दोनों के झगड़े के बीच में एक कठपुतली की तरह हो गई हैं, जो मतलब बीच में बैठी हैं और इन दोनों के झगड़े के मजे ले रही हैं। आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे ना तो इस समय एक ऐसा फील आता है कि टीना और शालीन दोनों भी कोशिश करें कि वो प्रियंका के दोस्त बन जाएं, और ऑलमोस्ट वो हमेशा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रियंका की उनकी दोस्ती हो जाए, क्योंकि प्रियंका जो है वो एक स्ट्रांग प्लेयर है। इसके पहले टीना और शालीन दोनों मंडली का पार्ट थी, जहां पर शिव ने हाथ पकड़ लिया स्टैन का, निमृत का और साजिद खान का, और टीना और शालीन को कर दिया था किकआउट। और उसके बाद अब टीना और शालीन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हिस्सा बन जाए, पार्ट बन जाए प्रियंका का, क्योंकि प्रियंका जो है वो एक स्ट्रांग प्लेयर के रूप में पहले से नजर आ रही है। और टीना और शालीन अभी हाल ही में एक प्रोमो आ रहा है जिसमें ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको तो एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी, जब भी ये बात करते हैं तो बातें कम झगड़ा ही ज़्यादा होता है, और ये खुलासे ही करते हैं दूसरे को लेकर। अभी हाल ही में शालीन जब बात करना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि देखो जो भी अपने बीच में था वो सब खत्म करते हैं, एक बोलते हैं ना नया शुरू करते हैं, बात खत्म करते हैं सारी। तो जिस पर टीना जो रिप्लाई करते हैं कि नहीं नहीं मतलब बात खत्म नहीं करते, मेरे को आपसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, आप मेरे को धमकी देके गए कि मैं भी बोलना शुरू कर दूंगा, आप भी बोलना शुरू कर दो, आप मेरी डिग्निटी पे सवाल उठा रहे हो, मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, और ये सारी बातें टीना दत्ता कह रही है, जिस पर टीना दत्ता उठकर चली जाती हैं। और तब शालीन भनोट कहते हैं कि इस पर वॉकआउट करने की क्या ज़रूरत थी, जिस पर टीना कहती है कि तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। और इतना सारा ह्यूमिलिएशन झेलने के बाद भी शालीन भनोट टीना दत्ता से बात क्यों करने जा रहे हैं, जब तुमको टीवी का पूरे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार सलमान खान आके एक वीकेंड के बार पर ये समझा रहा है कि तुमको टीना प्ले कर रही है, और तब भी शालीन जो है वो बात करने जा रहे हैं टीना दत्ता से, तो ये तो शायद अब एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई कि ये सारी चीज़ें कैमरा के लिए और गेम के लिए ही है। शालीन और टीना दोनों भी फेक कर रहे हैं और दोनों ही गेम के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको कोई समझाए तो आप एक दो बार में समझ जाएंगे ना, कि बार बार आप उसी चीज़ को रिपीट करेंगे और वही गलतियाँ करते रहेंगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कि आपको भी शालीन और टीना फेक लगते हैं, इनका जो लव एंगल है, इनका जो भी झगड़ा और जो भी होती है सारी चीज़ें फेक है, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर। और इसी तरह की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।